नमस्कार, मैं हूं विभव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। इस वक्त एक खेल जगत से बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक खुशखबरी आ रही है। वो खुशखबरी ये है कि बीसीसीआई ने जो है वो अर्जुन अवार्ड के लिए 4 क्रिकेटरों के नामों की सिफारिश करने का फैसला किया है। जी हाँ, COA की बैठक हुई है जिसपे 4 खिलाड़ियों के नाम जो है उस पर मोहर लगी है कि ये 4 खिलाड़ियों के नाम जो है अर्जुन अवार्ड के लिए खेल मंत्रालय को भेजे जाएंगे। जिन 4 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा हुई है वो हैं मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और महिलाओं क्रिकेटरों में पूनम यादव और टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। बात करें अगर मोहम्मद शमी की तो मोहम्मद शमी ने 10 मैचों में 19 विकेट लिए हैं और उनका बेस्ट 19 रन देकर 3 विकेट रहा है। इसके अलावा बात करें ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की तो उन्होंने पिछले 10 मैचों में 73 रन दिए हैं और 10 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी पिछले 10 मैचों में 16 विकेट हासिल किए हैं और उनका बेस्ट 35 रन देकर 4 विकेट लिए रहा है। इसके अलावा एक जो महिला खिलाड़ी हैं वो पूनम यादव हैं और पूनम यादव ने अब तक 41 वनडे, 40 T20 और 1 टेस्ट मैच खेला है। जाहिर है कि अब गेंद खेल मंत्रालय के पाले में है, ऐसे में इन खिलाड़ियों में किसकी लॉटरी खुलती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो खेल जगत से इस वक्त एक ये भी बड़ी खबर आ रही थी। बाकी आप हमारे साथ और अपडेट्स के लिए बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपनी कोई भी राय हो तो उसे जो है कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। और हाँ, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।